नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, पी न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, दिल्ली के अलीपुर के दयाल बाजार और श्रीनगर एमएलए हॉस्टल में जबरदस्त आग लगने से कम अज कम 11 अफराद की मौत वाकया हुई है, जबकि दीगर 4 जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक दयाल बाजार में सुबह 5:30 बजकर एक पेंट फैक्ट्री में आग लगी, जिसके नतीजे में कम अज कम 11 अफराद की झुलसकर मौत वाकया हुई है और 4 अफराद बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और अमला आग बुझाने में मसरूफ है। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक सुबह 5:30 बजे के करीब एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके साथ ही पेंट फैक्ट्री में आग नमूदार हुई और आनन फानन में पूरे इलाके को अपने लपेट में लिया। तहम इस भयानक हादसे में 11 अफराद की झुलस कर मौत वाकया हुई है। वही दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इसे एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया करार दिया है। केजरीवाल ने जामबाग अफराद के वारिस को 10 लाख रुपया, जबकि शदीद जख्मी को 2 लाख और मामूली जख्मियों को 20,000 रुपया देने का भी ऐलान किया। वजीर आला दिल्ली ने फायर टेंडर्स की लापरवाही की इंक्वायरी का हुक्म दिया और फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई करने के हिदायत जारी किए। इधर श्रीनगर में एमएलए हॉस्टल में भी जबरदस्त आग लगी, ताहम इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ताहम हॉस्टल के कई फ्लैट्स जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गए हैं। नाज़रीन, ये थे अब तक के कुछ अहम अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।